भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में गोरखपुर की पीआरडीएफ संस्था ने जो है एक बड़ा काम किया है। और जहां सरकार ने बात की किसानों की आय दुगनी की जाएगी, तो वहीं पीआरडीएफ का दावा है कि किसानों की आय पीआरडीएफ के माध्यम से धान की खेती से तिगुनी करने का दावा पीआरडीएफ ने किया और कर भी दिखाया। भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाने जाने वाला काला नमक धान की खेती जो है पहले 2000 हेक्टेयर तक सिमट कर रह गई थी, विलुप्त तो होने के कगार पे थी। और पीआरडीएफ के चेयरमैन डॉक्टर आरसी चौधरी ने उसको बढ़ाकर जो है अपनी 4 नई किस्में धान की जो है विकसित की काला नमक की, और 50,000 हेक्टेयर तक उसकी जो है पैदावार उन्होंने बढ़ाई। और उनका दावा है कि अगले साल तक 1,00,000 हेक्टेयर तक जो है काला नमक धान की खेती को विकसित और किया जाएगा। और वहीं सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काला नमक धान को लेकर जो है 1 District 1 Product में उसको अपने शामिल किया, और एक बड़ा जो है अचीवमेंट रहा डॉक्टर आरसी चौधरी का, जो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर लगभग 40 देशों में उन्होंने धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया। और जो 40 देश हैं उसमें जो है उनका योगदान माना गया। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरसी चौधरी, जिन्होंने एक अपना मिसाल पेश किया है काला नमक धान की 4 प्रजातियां विकसित करके। वो डॉक्टर आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या था और किसानों को किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया और काला नमक की खेती को किस तरह से उन्होंने बढ़ाया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब कि काला नमक की खेती की शुरुआत आपने कैसे की और कब आपने विकसित करना शुरू किया काला नमक का, और खासियत इसकी क्या रही? ऐसा हेमंत जी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस में कार्यरत थे, रिटायर होने वाले थे, तो हमको ये तय था कि हम जहाँ पैदा हुए, जहाँ पले, जहाँ बढ़े, जहाँ शिक्षित हुए, वहाँ के लिए कुछ करें। दुनिया के तमाम 40 देशों से ज़्यादा में हम काम कर चुके हैं। तो हम यहाँ जब लौटे तो हमने लौटने से पहले समस्या तलाशनी शुरू की कि आखिर इस क्षेत्र की क्या समस्या है, क्योंकि 35 साल से देश से बाहर थे तो कुछ एक संबंध जैसा टूटा गया था। तो लोगों ने कहा साहब सबसे बड़ी चीज़ है कि काला नमक यहाँ का होता था, जो यहाँ के मूछ का बाल कहते हैं लोग, और भगवान बुद्ध का प्रसाद जैसा आपने जिक्र किया, तो उसके रूप में जो जाना जाता था वो ख़त्म हो जा रहा है। इसकी खेती अब 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा में होती थी और 2000 पर आ गई, और वो भी विलुप्त होने के कगार पर था। तो इससे बड़ी समस्या और आपको हम पहले नहीं दे सकते। इससे पहले कि और कुछ समस्या की बात करें तो हम काला नमक की बात करेंगे। तो यहाँ से हमने शुरुआत की कि नहीं, इसको विलुप्त होने नहीं दिया जाएगा। तो पहली बैठक हमने सिद्धार्थनगर जिले में, जो कि इसका एक तरह से काला नमक का मायका कहा जाता है, वहाँ हमने पहली मीटिंग 2003 में शुरू कराई और ये किसानों से शपथ दिलवाया कि नहीं, हम आपका साथ देंगे और इसको विलुप्त होने से बचाना होगा। तो वहाँ से शुरुआत होती है काला नमक के सुझाव, काला नमक के सुधार, काला नमक का जो पुनर्जागरण है उसकी कहानी। तो डॉक्टर साहब, अब काला नमक की स्थिति क्या है और कितने देशों में काला नमक जो है भारत समृद्ध हुआ है, कितने देशों में एक्सपोर्ट चल रहा है? जी, काला नमक की अब 4 प्रजातियां हैं, KN3, बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102, और नवीनतम प्रजाति अभी हमारी आई है, अभी बौनी है, काला नमक किरण। तो ये जो बौनी है इनकी उपज पुराने काला नमक की दुगनी है, दुगनी उपज है, और दाम तो दुगना ही है काला नमक का। तो इस तरह से किसान काला नमक की खेती करके अब तिगुनी अपनी आमदनी कर रहा है इन प्रजातियों का इस्तेमाल करके। लेकिन खाली पैदा करने से तो काम नहीं होगा, बाज़ार उसको देना पड़ेगा। बाज़ार हम लोगों ने स्थानीय रूप से दिया, प्रचार प्रसार शुरू हुआ कि जो इसको आप भगवान बुद्ध का प्रसाद कहते हो तो आखिर इसे प्रसाद के नाम पे क्या है। फिर हमारे अनुसंधान धीरे धीरे करके शुरू हुए
और जैसे जैसे हमारा अनुसंधान आगे बढ़ता गया, एक से एक गुण काला नमक के बाहर आने लग गए। पहला, इसमें 11% के करीब प्रोटीन है। आम धान में 5% होता है, दुगुना प्रोटीन है। इसी तरह 3 गुना इसमें लोहा है, आयरन, 4 गुना इसमें जस्ता है, जिंक, और सबसे बड़ी बात कि ये शुगर फ्री है। आजकल डायबिटिक लोग, मधुमेह के रोगी कितने बढ़ रहे हैं अपने देश में, तो डॉक्टर उनको मना करता है कि चावल मत खाइए, और हम ये कहते हैं कि काला नमक भरपेट खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शुगर फ्री है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 है, और अगर पॉलिश किया हुआ है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है। कहने का मतलब ये कि शुगर फ्री कैटेगरी में आता है, तो भरपेट लोग खाएं, तो ये भी इसमें गुण है। और अभी जो हमारे नवीनतम शोध हैं वो आए हैं कि इसमें विटामिन ए भी है। हम तो 45 वर्षों से काला नमक के साथ लगे हुए थे, लेकिन ये किसी में अभी तक हमको विटामिन ए नहीं मिला है। काला नमक की पहली प्रजाति है जिसमें कि हमको विटामिन ए मिला है, और ये मेरा शोध पत्र भी प्रकाशित अभी अभी हुआ है कि काला नमक की प्रजाति में विटामिन ए है बीटा कैरोटीन के रूप में। तो पहली धान की पहली प्रजाति है दुनिया की। तो आखिर ये सब गुण तो छुपे हुए थे ना, तो हमारे अनुसंधान से तो बाहर आ रहे हैं, तो ये सब अनुसंधान का ही परिणाम है, पिछले 17-18 सालों का परिणाम है, और उसी में ये सब बाहर आ रहा है। जहाँ तक सवाल आपने किया था मार्केट का, तो स्थानीय रूप में आप लोग एक तो आकर्षित हो रहे हैं कि काला नमक खाया जाए। काला नमक क्यों खाया जाए? क्योंकि इसमें जिंक इतना ज़्यादा है कि हमको कोरोना से बचाएगा। किसान उगा रहा है, उसकी आमदनी तिगुनी हो रही है। अब एक सवाल और उठता है, सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो 1 साल या 2 साल के लिए बनाती हैं, और प्रोजेक्ट जो है वही वहाँ तक जब तक पीक पर पहुँचने वाला होता दम तोड़ देता है। तो आपका क्या सुझाव है, सरकार को कितने दिन के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए और उसको कैसे जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जी, बड़ा बड़ा सुंदर विचार आपका है। इसमें ऐसा है कि 1 साल तो इस योजना को किसान को समझने में लगता है कि अच्छा है, करें या न करें, क्योंकि हमेशा शक की निगाह से किसान देखेगा किसी नई चीज़ को। हम भी देखते हैं, कोई नया कपड़ा आ जाए तो हम पहले उसको शक की ध्यान से देखते हैं, पता नहीं ये ठीक है या नहीं है। तो 1 साल के बाद अगर योजना ख़त्म हो गई तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता, असर नहीं होता। अब हमारा जो कुशीनगर का प्रोजेक्ट है, इसीलिए हमने नाबार्ड को मना कर दिया था कि 1 साल की योजना हम नहीं लेंगे। तो फिर वो लोग तैयार हो गए, चलो ठीक है 3 साल का। हमने कहा 1 साल तो उसको समझने में लगेगा, 2 साल उसका फ़ायदा उसको मिलने लग जाएगा, और 3 साल ही फिर वो उसका असर नज़र आएगा। तो कम से कम 3 साल की परियोजना होनी चाहिए, कम से कम, कम से कम। बेहतर तो हो कि 4-5 साल, और धीरे धीरे जिस तरह से परियोजना शुरू की जाए उसी तरह से धीरे धीरे है सरकार अपना हाथ खींचे और किसान खुद ब खुद उसको लगावे। तो जाहिर बात है कि 3-4-5 साल की परियोजना अगर हो तो बहुत सुंदर बात होती है। डॉक्टर साहब, किसानों से और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो हम अपील करना चाहेंगे, देखिए जरूरत से ज़्यादा परियोजनाएँ नहीं हो, कुछ परियोजनाएँ ठोस रूप में सोच के बनाई जाएँ, और सोच के बनाई जाए तो लंबे समय के लिए बनाई जाए। ये नहीं कि 6 महीने के लिए कोई परियोजना आई फिर बंद हो गया, या 1 साल की परियोजना आई बंद हो जाए। और परियोजनाओं का भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका भी परिवार नियोजन की तरह वो करना पड़ेगा, कि नहीं कि हर महीने 2 परियोजना नहीं शुरू हो रही है, ये भी गलत बात है। कि इतनी परियोजनाएँ चलाना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का इम्पैक्ट नहीं होगा। अब एक ही काम के लिए मैं किसी सरकार को जो है इसकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन किसानों के लाभ के लिए अगर आप सोचिए तो दर्जनों परियोजनाएं हैं, किसान खुद नहीं समझ पा रहा कि कौन सी परियोजना से क्या हम लाभ मिला है। तो कम परियोजनाएं हो लेकिन उसको लंबे समय के लिए चलाया जाए। अगर 5 साल के लिए सरकार आई है तो कम से कम 5 साल के लिए तो परियोजना लाइए, क्योंकि 5 साल आप उसको चला सकते हैं, तो कम से कम आप 5 साल कम परियोजनाएं लाइए। लेकिन कई परियोजनाएं एक ही तरह की होती है, उनको आपस मिला के 5 साल चला दीजिए।
तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरसी चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है किसानों को जो भी परियोजनाओं के माध्यम से धरातल तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहती है, उस परियोजनाओं को लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए और काला नमक धान को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर साहब जो है काफ़ी अरसे से प्रयास कर रहे हैं और सरकार जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है। तो डॉक्टर आरसी चौधरी का दावा है कि काला नमक की खेती से किसानों की आय तिगनी हो सकती है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार और मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गोरखपुर।